हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे कंपार्टमेंट एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करते हैं, पढ़ते हैं, वो पूरे पूरे दिन पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते। उसका क्या रीज़न रहता है? तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि किसी भी एग्ज़ाम में अगर आप जा रहे हो तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, वहाँ पर आपको किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो उसके लिए मुझे कौन सा टॉपिक पढ़ना है, 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं मुझे उसके लिए क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। क्योंकि आप मेहनत करते गए, आपने बहुत पढ़ा, लेकिन किसी मान लीजिए किसी एक्सरसाइज की आपने पहली एक्सरसाइज पूरी पूरी एक्सरसाइज लगा रहे हैं, हर एक चीज़ कर रहे हैं, उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है लेकिन आपकी जो एक्चुअल प्रिपरेशन है वो नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, एक आप लोग को टीचर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आपके नियर बाई भी बहुत सारे टीचर्स हो सकते हैं जो बच्चों के 12th लेवल पे हेल्प करते हैं, 10th लेवल पे हेल्प करते हैं, आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं, वरना आप ऑनलाइन टीचर्स की सपोर्ट ले सकते हैं। और अगर आपके पास ये सब भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो CBSE ने सैम्पल पेपर दिया है जिसमें 14 क्वेश्चन है, उसमें देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन सब पर मैं वर्क कर रहा हूँ और मैंने इसके ऊपर सारी चीज़ें बना ली हैं। कल से मैं स्टार्ट करूँगा ये आपके साथ में शेयर करना, बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट में आपके साथ में शेयर करूँगा, आप उसकी हेल्प ले सकते हो। गेस्ट पेपर्स के लिए आप मेरे साथ में पेड में भी जुड़ सकते हो, उसकी फ़ीस अभी क्योंकि कम टाइम बचा है तो ओनली 500 रहेगी। उसके साथ में आप लोग की जो मेरी क्लासेज हैं उसको भी देखिएगा और पूरी मेहनत करिए। सपोर्ट आपका मैं रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल सही तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, ये विश्वास करिए। और अगर ऐसे ही इधर उधर का कुछ भी पढ़ते रहे तो आप मेहनत तो करोगे बट वो शायद उतना आपके लिए बेनिफिशियल ना हो। तो आप एक प्लानिंग के साथ में प्रॉपर तरीके से आप मेहनत करिए।